हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम रिएक्शन करेंगे कैसी तेरी खुद गर्जी के बेस्ट सीन पर। वो सीन है, एक है महक मिल गई और एक और है जिसमें सिर्फ बेस्ट सीन लिखा है। तो पहले वो वाला देखेंगे, फिर देखेंगे महक मिल गई। तो हियर वी गो। बाबा साहब, वो महक घर पे नहीं है, घर पर ताला लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी भी गए हो तो क्या हुआ? कहीं नहीं मिली उसके बाबा ने तो गायब नहीं करवा दिया। उसके बाबा ने गायब करवा दिया गया। लास्ट एपिसोड देखा नहीं तो आप कमेंट करके बताना। मैंने फरवा से बात की थी कि शमशेर के लिए ना हमारे क्लास और स्टेटस की कोई लड़की ढूंढते हैं। फिर फरवा ने अपनी बहन सोफिया का नाम सजेस्ट किया और कह रही थी कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी ना सोफिया राजी है और उनकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। दे आर आल्सो एक्सेप्टिंग इट। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जिस चीज के लिए फिक्रमंद हूँ वो ये है कि क्या देखा है इसने इस लड़की में जो इतना फरिश्ता हुआ फिरता है उसके पीछे। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे दूर करूं इस लड़की को इससे, कैसे। लेकिन ये बड़े बड़े लोग पैसे देख के शादी करते हैं, खूबसूरती नहीं देखते, ना दिल देखते हैं। शमशेर की मोहब्बत के हाथों मजबूर औलाद है मेरी, बेटा है मेरा। आई लव हिम, आई लव हिम। I don't want to lose him. Shamshir. जी बाबा साहब। आओ इधर आओ। बाबा साहब, मैं तो इस शो में इनके कपड़े देख देख के सोच रहा हूँ क्या कपड़े पहन रहे हैं। खैरियत है, ठीक तो हो? जी कुछ नहीं, सब खैरियत ही है। बेटा, जब तुम बहुत कुछ करते हो ना तो सब कुछ को कुछ नहीं मैं तब्दील करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या बात है, सुपर डायलॉग था ये। तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ मैं, और स्पेशली बहुत ज्यादा परेशान उस वक्त होता हूँ जब तुम्हारे चेहरे पे ये वाला एक्सप्रेशन होता है जो इस वक्त है। ट्रस्ट मी, शेयर कर सकते हो मेरे साथ क्या हुआ है? खैर ना, बोलो बेटा क्या बात है। बाबा साहब, वो महक घर पे नहीं है, घर पे ताला लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी भी गए हो तो क्या हुआ? कहीं नहीं पक्का नहीं कर रहा। क्या आपने गुम कराया उसे? निचली सोच की लड़की के साथ रह रहे के तुम्हारे सोचने के नजरिया भी बहुत ही निचले दर्जे का हो गया है। I'm surprised. और ना I'm sure कि तुम अपने बाप के बारे में ऐसा कभी भी मत सोच। ये जो यूनिवर्सिटी में तुम चेक देकर आए थे, वहीं से फोन आया था, फिर दीन से बात हुई, सारी कहानी सुनाई उसने। तुम अच्छे से जानते हो जहाँ भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है वहाँ मेरी निगाह रहती है। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे कि जो भी उस लड़की के घर वालों ने तुम्हारी माँ और फरवा के साथ किया उसके बाद तुम उस लड़की का पीछा छोड़ दो। लेकिन तुम्हारे इस रवैये के बाद तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम्हें अपने खानदान की कोई परवाह नहीं। खानदान की इज्जत अपनी जगह बाबा साहब, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। तो मेरी मजबूरी का नाम महक है। क्या बात? I'm sorry. एक बात और बाबा साहब, आपको अगर नजर रखनी है तो महक या उसकी फैमिली पे ना रखें, मुझ पे रखें, क्योंकि प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम आपके बेटे में है।
मोहब्बत मैं करता हूँ उससे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, जानता हूँ मैं कि क्या प्रॉब्लम। बड़ी अच्छी तरह से वही याद आया ना सीधा। इनका कैरेक्टर बहुत तगड़ा है, लेकिन भाई मुझे लग रहा है ये कैरेक्टर कुछ तो करने वाला है। दानिश तैमूर को इतना खतरनाक बताया तो भाई इन्होंने तो उनके फादर का रोल किया। ये तो बाप होता है भाई, ये तो बाप है। चलो सेकंड बेस्ट सीन भी देखते हैं, जिसका नाम है महक मिल गई। अब कैसे मिली ये देखते हैं, और महक गई कहाँ थी ये भी पता चलेगा। हियर वी गो। BGM देख क्या सही लग रहा है BGM, जैसे वो आया सामने छुप गए जाके है ना, ऐसा लग रहा है। क्या इंटेंस लुक है और क्या एक्सप्रेशंस, कितनी डरी हुई लग रही है। ये एक्टिंग टॉप लेवल यार, और दानिश तैमूर कितने खतरनाक दिख रहे हैं। एंग्री यंग मैन, अच्छा होगी मुझसे बच के वो वाला सीन। ये कुछ सीन, अच्छा वो सीन पूरा बताएंगे कैसे वो मिली। मैंने तुमसे कहा था ना कुछ हासिल नहीं होने वाला, मेरी बात मानो, महक को भूल जाओ। नहीं भूल सकता, वो जमीन की सातवीं तह में भी छुपी होगी ना, अगर तब भी उसे ढूंढ निकालूंगा। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, मुझे तो भूख लगी हुई है और मैं खाना खाने लगा। जिस तरह से लास्ट एपिसोड्स देखे मैंने, ये बंदा दोस्ती के लायक तुम्हारे लिए। अच्छा ये वाला नहीं, बहुत टेस्टी है, खा के देखो। एपिसोड में कोई आंटी घर में बता देते ना, अम्मी ने तुम्हारे लिए स्पेशली ऑर्डर किया है। आओ ना, नहीं खाना मुझे यार। तुम्हारी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी थी। Handwriting, भाई शार्प माइंड दिखाया है बंदे को यार। सेम हैंडराइटिंग। क्या हुआ तुमसे? बोले जो खाना जहाँ से आया है। महक ने क्या? हाँ। कहाँ? शायद मैं उसी जगह पे जहाँ से ये बॉक्स आया है। मेरा दिमाग खराब है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। राइडर को बुला, उससे पूछ इस जगह का एड्रेस क्या है। मेरी बात तो सुन ले एक दफा। तू बुला रहा है या मैं बुलाऊं? ये ऐसी बेइज्जती करते ना ऐसे दोस्त पे, ऐसा गुस्सा अपनी पहुंच का फायदा। ओके ना फाइनली जंगल निकल गए। अरे तो वो तो देख ही लिया स्टार्टिंग में अपन ने, वही होने वाला है इसके बाद में शायद। मुझे लगता है वो एपिसोड वहीं पे एंड हो जाता है लगता है। हाँ वो जैसे ही वो दिखाते होंगे एपिसोड खत्म हो जाता होगा। ऐसे ही लग रहा है मुझे, मैं देख लिया है, चेक कर लिया। एपिसोड 6 के एंड में आता है वही वाला सीन, उसके बाद वहीं पर एंड हो जाता है, तो फिर 7 में ही आएगा आगे का सीन जो भी है। बट हाँ भाई मज़ा आ रहा है ड्रामा देखने में, ये सीन्स देख के ही मज़ा आ रहा है। वो टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं देख नहीं पाया, तो मैं 4 एपिसोड तो पूरे देख लिए मैंने, 5वां और 6ठा दे मिसिंग है, तो वो देख लूँगा अब मैं पूरे। अभी सीन सीन छठा देखना है, तो अब मैं 6ठा पूरा देखने वाला हूँ इसके बाद में, क्योंकि अब मेरी ऐसा है सीन देख लेते तो और ज़्यादा वो होता है यार, ये एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। मिस कैसे कर दिया ये अपन ने, तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और लेट्स सी अब क्या होता है भाई आगे, और ये कहाँ छुपी थी ये भी एक बार कमेंट करके आप लोग बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।